हर हर महादेव, जय माता दी। आज जो है संकट चौथ का व्रत है। यह व्रत जो है चंद्रमा को अर्घ देने के साथ ही पूर्ण होता है, परंतु मेरे शहर में आज बादल है। इस कारण से मन में बहुत अधिक दुविधा का विषय है कि हमें क्या करना चाहिए। अन्य माध्यमों से यह सवाल भी आ रहे थे या मेरे आस पड़ोसी भी जरूर इस बारे में पूछ रहे थे। ऐसे में आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, तो मैंने सोचा आप सभी को भी इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसे में आप सभी के शहर में भी चंद्रमा अगर उदय होने में देर लग रही हो या बादल इत्यादि के कारण चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहे हो, तो ऐसी अवस्था में आप सभी को कैसे चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके पीछे जो है शास्त्रों में एक कहानी भी वर्णित है। दक्ष प्रजापति की एक 27 कन्याएं थी, जिनमें 27 कन्याओं में कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा के साथ हुआ था। 27 कन्याओं में से जो एक कन्या थी रोहिणी, जिनका नाम था, वह चंद्रमा को अत्यधिक प्रिय थी। यह 27 कन्याएं जो हैं 27 नक्षत्रों के रूप में ज्योतिष में इनका वर्णन मिलता है। तब जो है एक ही महिला, एक ही रानी को अधिक प्रेम करने के कारण अन्य जो रानियां थी वह काफ़ी क्रोधित हुआ करती थी और अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। तब उन्होंने उन्हें श्राप दिया कोड़ इत्यादि का, जिसे आप सभी ने सुना ही होगा कि उन्हें जो है कलंकित अवस्था में देखा जाता है। ऐसे में चंद्रमा जो है भगवान शिव की शरण में गए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। यह शास्त्रों में वर्णन मिलता है। किसी कारणवश जो है अगर आप सभी को चंद्रमा के दर्शन न हो पा रहे हों, तो आप भगवान शिव के दर्शन करके, जो उनकी मूर्ति में चंद्रमा है, उनके दर्शन करके भी आप जो है अपने व्रत को आप पारण कर सकती हैं। अर्थात उनके दर्शन करके आप मन में मानसिक रूप से उन्हें स्मरण करके चंद्रमा को अर्घ भी दे सकती हैं। आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा, कहीं भी व्रत इसे खंडित हुआ नहीं माना जाएगा। दूसरे तौर पर, जैसे आपने कहानी में भी सुना होगा, मेरी किताब में भी वर्णित है, इस व्रत को जो है तारों को देखकर भी व्रत यह खोला जा सकता है। अगर आपको चंद्रमा के दर्शन न हो रहे हो, तो आप तारों को देखकर भी व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद एक जरूरी बात आप सभी को बताना चाहूँगी, आपके शहर में जब चंद्र उदय का समय हो, उससे एक या डेढ़ घंटे आप सभी को रुकना चाहिए। पूरा दिन आप रुके हैं तो भगवान की ध्यान भक्ति में आपको समय बिताना चाहिए। तब एक डेढ़ घंटे का समय आपको अपने लिए और भगवान के लिए देकर फिर इस कार्य को करना चाहिए। आप लाइव जो है YouTube पर भी देख सकते हैं, भगवान चंद्रदेव का मानसिक रूप से दर्शन करके, स्मरण करके भी आप जो है अर्घ दे सकती है। इस तरह से शास्त्रों में यही कहा जा सकता है कि अगर कोई वस्तु उपलब्ध ना हो पाए, तो वह जो है मान्य करके, अर्थात कहने का अर्थ है उनको स्मरण करके भी पूर्ण रूप से उनका फल प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव जो है समस्त सरासर, इस चराचर धरती के, इस ब्रह्मांड के पिता हैं। उन्होंने समस्त चीज़ों को अपने आप में धारण किया हुआ है। सबसे पहले उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। ऐसे में साफ सुथरे शब्दों में और शास्त्रों में यही वर्णन मिलता है कि अगर आपको चंद्रदेव के दर्शन ना हो, तो आप भगवान शिव के दर्शन करके, उनके माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है उनके दर्शन करके, या उनको सामने रख कर आप जो है उस साइड जहाँ से चंद्रमा उदय होते हों, चंद्रदेव का नाम या मंत्रों के साथ जाप करते हुए उन्हें अर्घ दे सकती हैं। मन में किसी तरह की कोई शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। आपका व्रत पूर्ण होगा और फल भी आवश्यक रूप से मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। हर हर महादेव, जय माता दी।